नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सी टेट एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है। दोस्तों, नोटिफिकेशन कहा गया था कि 10 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या कल नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर आज ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना दोस्तों। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर आपको दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा तिथि और परीक्षा पैटर्न के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि जो CBSE बोर्ड है, वो हर वर्ष दोस्तों आपकी CTET की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करवाता है, और पिछले 2 साल से दोस्तों सिर्फ 1 बार ही परीक्षा आयोजित हुई है, क्योंकि कोरोना के कारण जो परीक्षा नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कराई जाएगी। तो ऐसे ही में दोस्तों आशा करते हैं कि अब आपकी जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार ही होगी, क्योंकि जो कोरोना के कारण दोस्तों जो परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा था दोस्तों। लेकिन अब नोटिफिकेशन कब आएगा ये देख सकते हैं, 10 अगस्त से पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ऐसा कहा गया था। ये कल की अपडेट थी दोस्तों, लेकिन जो अपडेट है दोस्तों उसके अनुसार आज भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि 10 अगस्त से पहले कहा गया था। और नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हो जाएगा दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन फॉरम है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो लगभग आपके ठीक 1 महीने तक चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो तकरीबन 10 सितंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करा पाओगे। अगर आज नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको 10 सितंबर तक का समय मिलेगा दोस्तों। आपके जो 10 सितंबर तक यानी कि ठीक 1 महीना आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए समय दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि ऑनलाइन फॉर्म के बाद आपकी जो है एग्ज़ाम कब आयोजित होगी। तो अक्टूबर में एग्ज़ाम आयोजित होने की अपडेट है दोस्तों, कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपकी जो एग्ज़ाम है वो CBSE बोर्ड करा सकता है। पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी, यानी कि जो CTET की परीक्षा है वो पहली बार ऑनलाइन कराई जाएगी। अभी तक दोस्तों आपके जो 150 क्वेश्चन आते थे, 150 ही प्रश्न होते थे दोस्तों, और इनको हल करने के लिए आपको 1.5 घंटा मिलता था। लेकिन अब इसमें दोस्तों बदलाव किया जाएगा, इसमें समय सीमा बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो 150 मिनट हैं इनको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, और 2 घंटे 15 मिनट यहाँ पर इनको किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं समय आपको ज़्यादा मिलेगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए हर ज़िले में वैसिलेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ से आप फ्री में वहाँ से जो है तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा, अगर आज आता है तो मैं आज अपडेट करूंगा आपको, और कल आता है तो मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा। सिलेबस आपका दोस्तों वही रहने वाला है, हालांकि कुछ नए टॉपिक इसमें ऐड किए जाएंगे। तो आप अभी दोस्तों पुराने सिलेबस से ही तैयारी करते रहे हैं, जैसे ही आपका नया सिलेबस आता है उसके लेकर भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और परीक्षा दोस्तों आपकी अक्टूबर में आयोजित होगी, तो दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।